चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिल वालों का और डीएम साहब और एडीएम साहब और एक किसानों की कमेटी थी, उनके बीच में एक समझौता होया था। जब भी फैक्ट्री चली थी तो उस समझौते पर जो जो शर्तें लागू हुई थी उन शर्तों पर ये मिल वाले कायम नहीं रहे। पिछले के भुगतान की बात हुई थी और ये जो है हर महीने लगा लगा कर देने जो अन्य प्रोडक्ट है मिल के उसकी जो भी आमदनी होगी वो किसानों को दिया जाएगा पिछला भुगतान में, लेकिन ढाई महीने आज हो गए पूरे और अब तक तो एक भी किस दिन उन्होंने नहीं दी। ये तो हमारे तो गल अत्याचार हमेशा तो होया भाई किसान की गाल में, तो कोई सरकार है जो अत्याचारी है किसान पर। तो अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं तो पैसा दो किसानों का, अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं है तो आज तो करीब करीब पूरे क्षेत्र के किसान को और किसान को पता, लेन वाला ग्राहक भी बिल्कुल सामने तैयार खड़ा, इसका सौदा कर मिल को बेचे किसानों का भुगतान करो। सीसीएम में आपका स्वागत है। आज हम जिला शामली के शुगर मिल पर है और किसानों का पिछले 95 दिन धरना चला था और दोबारा से फिर किसान गन्ना भुगतान के लिए आ गए हैं। आइए हम किसानों से बातचीत करते हैं, क्या क्या किसानों की मांगे हैं आज यहाँ पे किसान की इकट्ठा हुए हैं। किसान जो है भाई अपने गन्ने का पैसा मांगना आए और ये जो है मिल वालों का और डीएम साहब और एडीएम साहब और एक किसानों की कमेटी थी, उनके बीच में एक समझौता होया था। जब भी फैक्ट्री चली थी तो उस समझौते पर जो जो शर्तें लागू हुई थी उन शर्तों पर ये मिल वाले कायम नहीं रहे, तो इस वजह से आज इनसे पूछने आ रहे भाई तुम वो शर्तें क्यों नहीं मान रहे, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हमारा पिछला भुगतान। 95 दिन धरना चलने के बाद अचानक से उठा ले गया था। अचानक नहीं, वो समझौता होया था भाई। कई लोगों का, कई किसानों का मानना ये था कि मतलब कुछ लोगों ने का मानना था कि ये धरना नहीं उठना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं था, सब किसान यही चाह रहे थे धरना तो उठे लेकिन किसानों का पेमेंट मिले। भाई पेमेंट की वजह से धरना रख रखा था हमने, वो इन्होंने भाई नू तो 300% तो शर्त कोई मानता नहीं, लेकिन हमारी जो मैन शर्त थी वह 14 दिन के पेमेंट वाली वह इन्होंने मान ली थी। अच्छा उसके बाद फिर समझौता हो गया था, अगली शर्तें लागू होगी थी, लिखित में एग्रीमेंट है, कोई वैसा भी नहीं है जबन जबन नहीं है, तो वो उसके बाद बताया। आज पूछने में बताओ पुराने पेमेंट का क्या कर रहे, हमने भी पता लगा क्या फैक्ट्री बिगड़ लग रही है कुछ बिकली, तो वो भी पूछेंगे भाई फैक्ट्री बिगली तुम्हारा पेमेंट क्यों नहीं दे रहे। कितना पिछला बकाया है किसानों का? 221 करोड़ रुपया पिछला भुगतान का है किसानों का। और जी जो इस बार किसान अपना गन्ना डाल ले है, उसका कैसा किस तरीके से पेमेंट? तो ये 14 दिन में दे रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन पिछले की आ रही नहीं, इसमें मार कर बैठा, इसमें भी 2-4 दिन आगे पीछे कर रखे उन्होंने। चलो वो तो 2-4 दिन की तो कोई बात नहीं, निभा लेंगे, लेकिन वो भी पूछेंगे ना भाई क्यों कर रहे ऐसी गड़बड़। क्या मामला है ये किसान, क्या इस बार भी पिछले तरीके से बहकावे में आ जाएंगे या गन्ना का भुगतान लेकर ही जाएंगे? भाई मिल चलो को 2.5 महीने हो गए और इन्होंने शर्त रख के दी भाई, स्टाम्प भी लिख कर दे रखा मिल मालिक ने, और जी हम जो है अगला भुगतान जो है 14 दिन के अंदर करा है, खैर वो करा और उस पर सही अपना चल रहा, लेकिन जो है पिछले के भुगतान की बात हुई थी और ये जो है हर महीने लगा कर देंगे जो अन्य प्रोडक्ट है मिल के उसकी जो भी आमदनी होगी वो किसानों को दिया जाएगा पिछला भुगतान में, लेकिन 2.5 महीने आज हो गए पूरे और अब तक तो एक भी किस दिन उन्होंने नहीं दी। और हम जब फोन करें इनसे बात करी भाई क्या मामला है, तो इन्होंने रास्ता नहीं दिया कुछ। अब ये बात आ रही है भाई इनके कुछ शेयर बिक गए, दूसरे जो मालिक है इनका 2-3 मालिक है, ये एक मालिक ने अपना शेयर बेच दिए और हम ये पूछना है इनसे भाई बका भुगतान का जो मामला है वो क्यों नहीं कर रहे। किसानों के समर्थन में कई पार्टी आती थी, क्या इस बार कितनी कहाँ किस तरीके से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है किसानों को? नहीं इतना पहले राजनीति का समर्थन था तो किसानों का समर्थन है, इसमें कोई हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी बारे में नहीं, तो लोग किसान का मतलब है मसला है। कई पार्टी दावा भी करती थी जैसे कि रालोद के हम किसानों के लिए लड़ते हैं और मतलब अदर पार्टियाँ भी और भाजपा भी, क्या इस तरीके से किसानों के साथ पहले भी हो रहा था या भाजपा के शासनकाल में हो रहा है? भाई किसानों के साथ तो हमेशा ही नहीं होता, अलग रहा भाई, कोई भाजपा लोकदल सब कुछ ही हो तो खिलौना बना रखा किसान को, तो सबने ऐसा कुछ नहीं है इसमें, अब अपने बलबूते लड़ना पड़ा भाई, तो भाई अपने संगठन से ही।
आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें वायरल हो रही है, जगह जगह किले बैरिगेटिंग लगा रहे हैं, किसानों को रोका जा रहा है, आपको आप इसको कैसे देखते हो भाई? ये तो पहले भी हो रहा था, दुरते करे सरकार तो अपना वोट क्लब पे थे जी, कांग्रेस सरकार थी जी, ब्रिटेन बच गया था वहाँ तो भाई, तो हमारे तो गल अत्याचार हमेशा तो हुआ भाई किसान की गाल में, तो कोई सरकार है जो अत्याचार ही है किसान पर तो। लेकिन पहले इस तरीके से सोशल मतलब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और कुछ किसानों का दावा है कि गोलियां भी चल रही है, क्या पहले भी इस तरीके से चल रही? नहीं भाई, कुछ और ज्यादा जायती बढ़ गई भी जाकर, और थोड़ी बढ़ गई ज्यादा थी तो जायती हमेशा तो, पर और ज्यादा बढ़ा दी जायती भी जा किसान के नाम। तो लोकसभा 2024 का चुनाव भी है, आप उसमें क्या देख रहे हो कि किसानों किसान किस के क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पे किसान वोट करेगा और किसको वोट करेगा? भाई ने तो हमारा एक एजेंट चौधरी जिधर है उधर ही जाएंगे हम, उस बात से कोई मतलब नहीं, वो कहाँ है कहाँ नहीं इस बात से, सब एक सब एक किसान उधर ही जाएगा सब। और एक तरफ ये भी है कि किसान आंदोलन पहले भी 13 महीने चला, और अब भी किसानों के साथ आप बता रहे हो कि इस तरीके से ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जयंत भी NDA का हिस्सा हो गए, BJP का साथ भाजपा के साथ उन्होंने भी गठबंधन कर लिया, कर लिया तो फिर किसान कैसे देगा वोट किस तरीके? भाई वो तो अपना संगठन बनाएगा, अपनी मीटिंग लेंगे जगह जगह, अपना लेंगे फैसले जो भी लोग इस बारे में भी। तो इस बार किसानों का क्या फैसला होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये मील कुछ बेच दिया गया और आगे भी जो बचा हुआ मील है उसको भी बेचने की प्रोसेसर में है, तो क्या मील मालिक है, मील मालिक तो अपना बेच के चला जाएगा, फिर किसानों किसान पेमेंट किससे लेंगे? आज यहाँ जो किसान इकट्ठा होया इसी बात को इकट्ठा होया, या पहले भी किसान कहता रहा अगर तुम डाल डालो तो हम पात पाते, जब किसान पैरों किसान अनपढ़ किसान नहीं रहा, अगर इनके दिमाग में कोई गलत फहमी ये हो अब तुम फिर किसान को लारा लगा दो, और लारा लगाने के बाद ये सीजन पूरा निकाल दो और इसका प्रॉफिट अपना लेके चलिए और फिर मील बेच लियो, ऐसा किसान होने नहीं देगा। इसलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए क्योंकि जो इन्होंने समझौता करा था उस समझौते पे आज इनसे क्लियर बुझा जाएगा, अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं तो पैसा दो किसानों का, अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं है तो आज तो करीब करीब पूरे क्षेत्र के किसान को और किसान को पता, लेने वाला ग्राहक भी बिल्कुल सामने तैयार खड़ा, इसका सौदा करे मील को बेचे किसानों का भुगतान करो। हमने भी किसानों से बातचीत की, किसानों का कहना है कि जो मील मालिक ने डी एम ने जो आश्वासन दिया था उस हिसाब से किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। जुड़े रहिए इसी से, आप UP से खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।